बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी एम पंजाब ट्रैक्टर में आपको खुश आमदीद। आपके लिए लेके आया हूँ जी न्यू हॉलैंड फीएट 640 ट्रैक्टर फॉर सेल, मॉडल है जी 2021 मॉडल है। कंडीशन आपको इसकी दिखा देता हूँ, 640 75 HP पावर स्टेयरिंग, हेड्रायलिक पावर 75 HP ट्रैक्टर है जी, 2021 मॉडल है, सामान से भरा हुआ। कंडीशन आपको इसकी दिखा देता हूँ, वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दी, इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ये शो का रंग रूप देखें जी, इसका स्टेयरिंग, ड्राइवर सीट, लिवर वगैरह देख लें जी, गियर बक्सा वगैरह चेक करें। उसके बाद इंजन की सूरत हाल देख लें, डीजल पम्प, लिफ्टी पम्प, स्टेयरिंग पम्प, फिल्टर, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है जी। ये पायदान वगैरह चेक करें जी इसके, ये चैम्बर वगैरह नीचे से देख लें, ये आगे वाले टायर हैं जी, लाइन इनके ऊपर वैसी की वैसी खड़ी है, ठीक है। रिम चेक करें जी इसके, कमाल का बम्पर लगा हुआ है जी, मजबूत, ये चेक कर सकते हैं आप, वजनी बला बम्पर, ठीक है। बैटरी रखी हुई है, इस साइड से देख लें जी इसको, टायर देखें, जनरेटर चेक करें, बाहर लाइटों वाला ट्रैक्टर है जी, ये चेक करें, 2021 मॉडल है, सिर्फ 200 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है, सिर्फ 200 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है। मीटर भी आपको दिखा देता हूँ जी मैं, ये चेक करें, 273 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर है जी। ये पीछे वाले टायर देख लें, कंडे वगैरह वैसे ही हैं, ये चेक करें जी। इसी तरह बैक साइड से टॉप लिंक साथ है जी, इसके बाद हिच लगी हुई है, ये नीचे आप देखें तो राड भी लगा हुआ है इसको मजबूती के लिए, ठीक है जी। ये लैंके वगैरह चेक करें, दूसरी साइड वाला टायर देख लें जी, इसी तरह ये टूपे वगैरह चेक कर लें, दूसरी साइड वाली टूप देख लें जी। तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावल नगर की लोकेशन में ये ट्रैक्टर खड़ा है, 2021 मॉडल है जी, 273 घंटे चला हुआ है। राबता नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं जी 18 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। मौके पे कमी पेशी हो जाएगी, कोई दोस्त भाई ख़रीदना चाहे वो राबता कर सकता है। राबता नंबर मैंने दे दिया जी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से राबता करके आप ये ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।